बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, इलेक्शन कमीशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं। और पूरा का पूरा फायदा दो तीन उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं, क्या नाम है उनके? अच्छा, नई चीज बोलिए। मैं पार्लियामेंट में भाषण कर रहा था, मैंने भाषण में अदानी अंबानी का नाम लिया और मुझे कहा जाता है कि पार्लियामेंट में अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा सकता। कमाल की बात है, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है, सड़कों पे लगाया जा सकता है, पोर्ट्स पे लगाया जा सकता है, हर धंधे में उनका नाम दिखाई देता है, चाहे वो सेब का धंधा हो, सब जगह उनका नाम दिखता है, मगर पार्लियामेंट में उनका नाम विपक्ष नहीं ले सकते। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, आप कहते हो कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले सकता, तो कुछ तो कहना पड़ेगा, क्या कहूं उनको? तो फिर मैंने स्पीकर सर से कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी अंबानी का नाम ना लूं, तो फिर मैं वो उनको A1 A2 कह देता हूं, कहना तो पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन तीन चार लोगों को मिलते हैं। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.